अपने गार्डन में रंग बिरंगी छटा चाहती हैं तो ग्लैडियोलस का पौधा ज़रूर लगाएं। मौजूदा मौसम इसे लगाने के लिए अनुकूल है, लेकिन इसे लगाने और देखभाल का सही तरीका जानना ज़रूरी है। इसे हम कैसे उगा सकते हैं और किस तरीके से इन रंग बिरंगे फूलों से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुलदस्ते में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फूलों में ग्लैडियोलस का नाम शामिल है। यह सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, बैंगनी और हरे रंग में भी होता है, इसलिए इसे साज सजावट के लिए आदर्श फूल माना जाता है। इस फूल को तलवार लीली के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इसकी पत्तियां तलवार के आकार की होती हैं, इसलिए इसका नाम यह पड़ा। बहरहाल ग्लैडियोलस मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका का फूल है। इसे उगाना बेहद सरल है, इसलिए अब कई अन्य देशों में भी उगाया जाने लगा है। अगर आप अपनी बगिया को ग्लैडियोलस फ्लावर से सजाना चाहते हैं तो इसे उगाए जाने के सही तरीके के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से लगाएंगे। ग्लैडियोलस उगाने के लिए 5 से 7 के समूह में एक ही रंग के फूल को उगाना बेहतर होता है। जब यह समूह में खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मेरी बालकनी में इतनी जगह नहीं है, मैं इसे अलग अलग पॉट में लगाऊंगी। यदि आप चाहें तो बड़े कंटेनर में इसे 3-4 बल्ब को इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं, यदि आपके पास जगह है। आमतौर पर इन्हें बगीचे की क्यारियों के किनारे पर उगाया जाता है। वैसे आप इसे दूसरे फूलों के साथ भी लगा सकते हैं। इन्हें थोड़ी सी देखभाल के साथ गमले में भी उगाया जा सकता है। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आपको थोड़ी सी जड़ों को खोल करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसके बल्ब होते हैं। ग्लैडियोलस में प्याज के आकार के भूमिगत तने होते हैं। इनमें मिट्टी में सीधे लगाया जाता है। इन्हें मिट्टी में कतारबद्ध तरीके से यानी सिस्टमेटिक आप लगा सकते हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, इसमें छोटे छोटे प्याज जैसे बल्ब हैं। कतारों में लगाने के बाद इन्हें सहारा देने के लिए बांस की कोई ऐसी ट्रेलिस की तरह बांध दें। इससे फूलों को कटने और ज़मीन के अंदर से इसके बल्ब निकलने में काफ़ी सहूलियत होती है। फ्रेंड्स इसको मैंने लगा लिया है और ये नीम की खली है जो एक मुट्ठी में ऊपर से मिला दूंगी। हालांकि मैं जो मिट्टी तैयार करके रखती हूँ उसमें ये सारी चीज़ें मिली होती हैं, लेकिन इसके बल्ब में फंगस ना लगे इसका ध्यान रखते हुए नीम की खली और ये गोबर की थोड़ी सी खाद मैं ऊपर से मिलाऊंगी। मैंने करीब 10 इंच का पॉट लिया है, 10 से 12 इंच का ये पॉट होगा और ये है डीएपी। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि डीएपी जितने बड़े डब्बे हो उस पर 1 इंच के हिसाब से, जैसे ये 10 इंच का यदि पॉट है तो 10 दाने डीएपी के मैं इसमें डाल दूंगी। इससे जड़ों को बनने में बहुत ही सहायता मिलेगी और नए नए बल्ब को निकलने में भी ये हेल्प करेगा। ग्लैडियोलस के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, लेकिन भारी मिट्टी में कंपोस्ट या अच्छी तरह तैयार कार्बनिक खाद मिला लेने के बाद इसे उगा सकते हैं। फ्रेंड्स जो इस पॉटिंग सॉइल मैंने तैयार किया है इसमें बालू की मात्रा भी 20% मिलाया है मैंने, ताकि मिट्टी जो है वो पोरस रहे। जैसा आप देख रहे हैं इसके ड्रेनेज होल का बहुत ही आप ध्यान रखें। गलती से भी यदि इसमें पानी खड़ा होगा तो फिर बल्ब जो नीचे जो इसका रूट बॉल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि वो सड़ने लगेगा, उसमें फंगस भी लग जाएगा। ग्लैडियोलस को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन बल्ब रोपने के बाद पहली बार पानी तभी देना चाहिए जब मिट्टी सूखने लगे। ग्लैडियोलस के बल्बों को ज़मीन में रोपने का कोई निर्धारित समय तो नहीं है, लेकिन इनमें ज़्यादा गर्मी या कड़ाके की सर्दी में नहीं रोपना चाहिए। फ्रेंड्स ये जो स्प्रिंग का सीज़न है ये बहुत ही बेस्ट होता है इसके लिए। देखिए इसमें छोटे छोटे बल्ब निकले हुए हैं, मैं इसके बल्ब को डिस्टर्ब नहीं करूँगी और इसे ऐसे ही लगा दूँगी। ग्लैडियोलस के फूल को कटाई उस समय करें जब एक डंठल के सभी फूल खिल जाएं। अगर फूलों का रंग पीला होने लगे तो समझे कि फूल मुरझा रहे हैं और उसे आप प्रून कर दें, ऊपर से कट कर दें। जब भी आप इसे लगाते हैं रोपने के 60 से 120 दिनों के भीतर इनमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये मैं कटिंग लेकर आई हूँ। यदि आप बल्ब से ग्रो करना चाहते हैं तो बल्ब से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं नर्सरी से इसकी कटिंग ही लाई हूँ।
पत्तियों को कटने से ग्लैडियोलस का पूरा पौधा प्रभावित हो जाता है, ज़्यादा तेज हवा के कारण या अपने ही भार से ग्लैडियोलस के पौधे तिरछे हो जाते हैं या गिरने लगते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि इसमें एक ट्रेलिस की तरह ज़रूर बांध दें। ग्लैडियोलस को कई तरह के कीटों और रोगों का खतरा रहता है, इससे बचने के लिए बड़े और स्वस्थ बल्बों का ही चुनाव करें। फ्रेंड्स, नीम की खल जरूर आप मिला लें अपने पॉटिंग सॉइल में। इन पर अक्सर छोटे काले और पंखयुक्त थ्रिप्स कीट हमला करते हैं, जिनका आकार 1 मिलीलीटर के आसपास होता है। इनके पत्तियों पर लगने से उनमें बारीक लकीरें दिखने लगती हैं, जिसके कारण फूल बेरंग हो जाते हैं और उनका आकार बिगड़ जाता है और कलियों में पुष्प नहीं विकसित हो पाते हैं। इनके बचाव के लिए इनके बल्बों को रोपने से पूर्व इन पर कीटनाशक रसायनों का छिड़काव आप कर सकते हैं। इसलिए नीम की खली या फिर इसी से रेलेवेंट मिलता जुलता आपके पास ऐसी कोई चीज़ हो वो ज़रूर डालें। फ्रेंड्स, पहले तो मैंने बल्ब लगा लिया, लगाने के बाद ऊपर से अच्छे से इसमें मैं वाटरिंग कर दूंगी। जैसा आप देख रहे हैं, पानी जो है बहुत ही जल्दी नीचे बैठ रहा है, और ऊपर से मैं मल्च जरूर करूंगी। जब कभी भी आप कोई बल्ब लगाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऊपर से मल्चिंग कर दें। फ्रेंड्स, इसके लिए जब भी आप पॉटिंग सॉइल तैयार करें तो गार्डन सॉइल 30%, रिवर सैंड 20%, वर्मी कंपोस्ट 40% और बोन मील यदि आपके पास है तो आप कम से कम भर के 2 चम्मच बोन मील ज़रूर मिला लें। 12 इंच का पॉट बहुत ही आइडियल है ग्लैडियोलस के पौधे को लगाने के लिए। ग्लैडियोलस को 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए। पानी तभी दे जब मिट्टी ऊपर से सूख जाए, और गमले की मिट्टी में तो आपने 30 से 50% तक सड़ी हुई गोबर की खाद भी कंपोस्ट की तरह आप मिला सकते हैं। जब स्टॉक्स निकल आए और उनकी लंबाई 1 फुट के ऊपर निकल जाए, तब उसमें 5 चम्मच वर्मी कंपोस्ट और 2 चम्मच बोन मील मिलाकर 8 इंच के गमले में ऊपर से डाल दें। फ्रेंड्स, विशेष टिप्स ये है कि जब फूल खिल रहे हों तो उसे हल्की धूप वाली जगह पर रखें, क्योंकि ज़्यादा समय धूप में रहने से पेटल्स जल्दी सूख जाएंगे और इनकी खूबसूरती कम समय के लिए ही रह पाएगी। तो एक बार फ्लावरिंग हो जाए तो इसे थोड़ी सी शेडेड प्लेस पर आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।